रुक करते हैं, हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, सबसे पहले तो पीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर सीधा सवाल है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है? निश्चित रूप से जिम्मेदारी पूरे राजस्थान प्रदेश में संगठन में काम करना और जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हम लोग यहाँ तक सरकार में आए हैं उनका मान सम्मान करना, उनके काम करना, तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो बड़ी है निश्चित रूप से। तो सर माना जाए एक व्यक्ति एक पद के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि संगठन को अब खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष के हटने के बाद बहुत सी टीम है जो उनके साथ जुड़ते हुए अलग हो गई कांग्रेस से, या फिर दोनों जिम्मेदारी संभाल लेंगे? देखिए, नेता अलग हो सकता है, कार्यकर्ता कभी अपनी माँ, जो पार्टी माँ होती है, उससे अलग नहीं होता है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक राजस्थान का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के साथ में है, कांग्रेस पार्टी के साथ में है, हमारी सरकार के साथ में है, हमारे संगठन के साथ में है। सर इस दौरान जाना चाहेंगे, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके पास है, तो क्या बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है? होटल के अंदर जो विधायक मौजूद हैं, वैसे तो कई बयान आ चुके हैं, लेकिन आप अब पीसीसी अध्यक्ष हैं, आपसे जानना चाहेंगे एक्चुअल फिगर क्या है? 100% बहुमत है और बहुमत से भी कहीं अधिक है। सर कितने कितने बहुमत कितना होता है आप बता दीजिए, बहुमत से अधिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 19 को तो नोटिस दिया गया है, मतलब ये मानकर चलता हूं कि 19 तो वहां पर नहीं है, 3 को बाहर किया गया, यानी कि जो समर्थन दे रहे थे उनसे कांग्रेस अलग हो गई, आंकड़ा हो गया 22। डॉक्टर सीपी जोशी साहब सिर्फ उसी कंडीशन में वोट करेंगे अगर फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर टाई हुआ। एक विधायक इस वक्त बीमार है, मुमकिन नहीं कि शायद वो आ पाए, तो बहुमत कहां है सर? आप कानून देखिए ना, अगर पार्टी का कोई एमएलए चुनाव चिन्ह पार्टी के चिन्ह पे जीत करके आता है, अगर वो व्हीप का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या होता है, वो क्या वोट देने के अधिकार रखता है क्या? यही तो आज हाई कोर्ट में चल रहा था, माननीय स्पीकर महोदय ने जो है वो उनको जो नोटिस दिया है वो आप सबके सामने है जी। तो पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भी ये क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट थोड़ी दे पाएंगे आप बताइए जी। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जो मुख्य सचेतक ने डॉक्टर सीपी जोशी साहब को शिकायत की उसमें बहुत से एलिगेशन लगाए गए, नाम किसी का नहीं, ए और बी उसमें अंकित किया गया है, लेकिन क्योंकि अब 19 को नोटिस दिया गया तो मानकर चलता हूं कि 19 सरकार के खिलाफ काम कर रही थी, तो फिर प्राथमिक सदस्यता सिर्फ 2 की रद्द क्यों की? आप अध्यक्ष हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो पार्टी को तोड़ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सबकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दीजिए। आप देखिए, जो काम सीपी जोशी जी को माननीय स्पीकर महोदय को करना है वो हम क्यों करेंगे? सर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता डॉक्टर सीपी जोशी साहब थोड़ी ना दूर करेंगे। जिस तरीके से ऑडियो आया, जिनकी संलिप्तता का जो लोगों में मीडिया में आया, तो मैं समझता हूं उन्हीं के लिए तो हम करेंगे ना जी। लेकिन सर 19 को तो मान रहे हैं ना कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तभी तो नोटिस दिया गया है। आप पार्टी व्हीप का उल्लंघन कर रहे हैं तो पार्टी व्हीप के उल्लंघन की सूचना माननीय स्पीकर महोदय को दे दी, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया जी। तो जिस चीज के लिए जो जो प्रक्रिया कानून में निर्धारित है वो प्रक्रिया चल रही है। सर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मुख्य सचेतक ने लिखकर डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कहा और जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें किसी का नाम नहीं है, ए और बी अंकित हैं, जब उसमें अंकित ही ए और बी है तो फिर सदस्यता क्यों ली गई? उसमें थोड़ी ना आपके उन विधायकों के नाम भी है। देखिए, मुख्य सचेतक जी अपना काम कर रहे हैं जी, सीपी जोशी जी अपना काम करेंगे माननीय स्पीकर महोदय, एसओजी में 2 मुकदमे दर्ज है, वो एसओजी अपना काम करेंगी, मुझे संगठन का मुखिया बनाया गया तो मैं संगठन का काम करूंगा जी। तो अभी माने कि 2 को अगर छोड़ दें तो 17 अभी भी कांग्रेस के साथ है, कम से कम प्राथमिक सदस्यता तो है। आज की तारीख में कांग्रेस के साथ ही है, अगर वो पार्टी की व्हीप का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई कानून में निर्धारित है वो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो सर अगर वो सरकार के खिलाफ हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, अगर वो सरकार के खिलाफ हैं, व्हीप का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्राथमिक सदस्यता ही जानी चाहिए, कि आप तो पार्टी के गाइडलाइन से ही अलग हैं। नहीं, आप देखिए 2 चीजें हैं, 2 को मिक्स मत करिए, अगर वो व्हीप का उल्लंघन करते हैं
तो उसके लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित है, क्या कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य सचेतक सूचना देता है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन इन्होंने पार्टी के जी चिन्ह पे जीते हैं उन्होंने किया है, और उसका फैसला करेगा माननीय स्पीकर महोदय। और जो व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधि करते हुए पाया गया या जिस प्रक्रिया के प्रकरण सामने ऑडियो वगैरह आए हैं, तो उसको निलंबित करके और उससे सवाल पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा कि आप जी बताइए आप पार्टी की गतिविधि विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं या नहीं हैं, और उसके ऊपर पार्टी फैसला करेगी। सर, लेकिन अगर मानकर चलिए आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर सारे जो कांग्रेस के अभी विधायक हैं वापस आ गए तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। आप उनके संपर्क में हैं, संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है? संपर्क दो तो भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंसे हुए हैं, संपर्क हम कहां से करेंगे उनसे, आप बताइए। चलिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह जी का जिस प्रकार का आज ऑडियो जो आया है, जी आप समझ सकते हैं कि कितने नीचे स्तर पे गिरने की कार्रवाई जो हमारी एनडीए की सरकार कर रही है। आप समझिए, एक केंद्र का मंत्री जिसको यहाँ पानी जल संसाधन मंत्री बनाकर के पानी की गंगा बहाने के लिए राजस्थान की जनता ने जी भेजा था, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने अच्छा की कोशिश कर रहा था। अच्छा आप गोविंद सिंह समझिए, डोटासरा जी, ये पीसीसी अध्यक्ष का बयान है कि जो ऑडियो टेप में आवाज है वो गजेंद्र सिंह शेखावत की है, आप कंफर्म कर रहे हैं बतौर पीसीसी अध्यक्ष? मैं कह रहा हूं जो चीज आ रही है, अगला कह रहा है गजेंद्र सिंह जी, वो कह रहा 30 हो जाएंगी तो सरकार नहीं बचेगी, वो कह रहा 13 अमाउंट ये हो जाएगा। तो जी आज के तारीख में तो जो मीडिया में आ रहा है, आप ही की मीडिया के द्वारा हमको पता लग रहा सर, है, कम से कम तो ये फर्स्ट इंडिया माना नहीं जा कह रहा रहा है है, फर्स्ट अगर इंडिया किसी अगर का वो नाम है नहीं या ले नहीं रहा है। है ये एसओ जी जी जांच करेगी। ठीक है सर, मैं लेकिन भविष्य तो की आज बात के करता हूं तारीख आपसे में सर, क्योंकि गजेंद्र नई नई सिंह जी जिम्मेदारी से आपने संभाली कमलनाथ जी है। बात कर रहे हैं, वही तो वीडियो आया ना ऑडियो जी चलिए सर, क्योंकि आपने जी। नई जिम्मेदारी संभाली है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अब चूंकि आपको डीसीसी का गठन करना है, बीसीसी का गठन करना है, तो क्या ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे हमारे जो एमएलए हैं उनसे सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बाकी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे हैं जिनके खून पसीने से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनसे सबसे बात करके जल्दी ही प्रदेश की जिले की और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का गठन करेंगे। क्या उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है? चुनाव का फैसला हम करने वाले कौन होते हैं, वो स्पीकर करने वाले होते हैं, अगर जी उनकी सदस्यता जाती जाती है ये फैसला होता है तो उपचुनाव होने हैं, अगर उनकी सदस्यता नहीं जाती है तो उपचुनाव नहीं होने हैं। सर, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकायदा एक लिस्ट जारी हुई 19 उन जगहों की, वहां पर प्रत्याशियों के टेंटेटिव नाम है। अगर वो तैयारी शुरू की गई है तो मैं मानकर चलता हूं कि तैयारी कर ली गई कि उनकी विधायकी अगर जाती है तो बैकअप प्लान ये है। एआईसीसी और पीसीसी ने तो जारी की नहीं, अब जी सोशल मीडिया पे या आपके चैनल के ऊपर अगर कोई संभावित नाम चलते हैं तो किसी भी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की, चुनाव लड़ने वालों की कोई कमी नहीं रहती है, जी और कांग्रेस में तो कम से कम कोई कमी नहीं है। सर, आप लेकिन देखिए ये ना, फैसला करने अगर वाला मैं अगर नहीं होता सोशल हूं मीडिया कि पर, उपचुनाव। जी जी अगर सोशल मीडिया पर, अगर मीडिया पर शेखावत या गजेंद्र सिंह का नाम चलता है तो पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि वो इसके साथ है, लेकिन अगर हम लिस्ट चलाते हैं तो आप कह रहे हैं कि उसके साथ आप नहीं हैं। सर, ऐसे कैसे कब चलेगा? सजा दे दी गजेंद्र सिंह जी को, मैंने कब सजा दे दी, वो तो एसओजी सर अपना सजा काम करेगा, नहीं, रिपोर्ट दर्ज मैं कह हुई रहा हूं कि है। अगर सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि गजेंद्र सिंह ऑडियो के अंदर नाम है, अगर मीडिया में चल रहा है, तो बतौर पीसीसी अध्यक्ष आप उसके साथ हैं? आप कह रहे हैं कि हाँ ऑडियो में उनका नाम है, वो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें जांच हो जाएगी। सर, रिपोर्ट मैं में तो कौन सी किसी का नाम अदालत ही हूं नहीं जो है। मैं फैसला देने वाला हूं, मैं कौन सी अदालत हूं कि मैं उनको सजा दे चुका। मैं तो कह रहा हूं जो जैसा चल रहा जी है कि जो बात कर रहे हैं वो जो मीडिया के द्वारा आया है उसमें इस प्रकार के लोगों के नाम आए, इस प्रकार की बात आई है, जी तो क्या कोई गजेंद्र सिंह जी कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति क्या सरकार बनाने की, बिगाड़ने की, हटाने की बातें कर सकता है क्या? तो ये जी प्रेजम्पशन है, लेकिन इसका अंतिम फैसला तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर जो चार्जशीट आएगी उसके बाद में कोर्ट करेगा जो कि भी फैसला करेगा। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि भाई जो चीज हम सुन रहे हैं उसके जी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं। जी तो सर, तभी तो मैंने कहा कि एक लिस्ट अगर हमने दिखा दी और उसमें बताया कि ये नाम है तो कहीं से तो लिस्ट आई होगी सर, कहीं तो बनी होगी। बहरहाल, निकाय चुनाव आपको लग रहे हैं कि जल्द होने वाले हैं सर? मैं कब कह रहा हूं कि कमी है कार्यकर्ताओं की, चुनाव लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है, जी लेकिन ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये फैसला तो स्पीकर महोदय ठीक करेंगे, है, मैं निकाय नहीं कर चुनाव कब सकता तक होंगे ना। सर, और उसके लिए बतौर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कितने तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार है, अगर माननीय स्पीकर महोदय के
किसी की सदस्यता समाप्त करते हैं किसी की भी, तो 6 महीने में जो चुनाव होने होते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग तैयार रहते हैं। एनी टाइम किसी भी पार्टी को तैयार रहना चाहिए। सर मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निकाय चुनाव भी अभी होने हैं, हो सकता है थोड़े पोस्टपोन कोरोना की वजह से हो जाए, लेकिन आपको जिम्मेदारी संभालनी है। निकाय चुनाव भी होने, पंचायत राज के चुनाव भी होने 15 अक्टूबर से पहले, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो इसके लिए हमारी पार्टी तैयार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा सर, होटल के अंदर क्योंकि है, कोरोना का वक्त चल रहा है, विधायक होटल के अंदर है, मंत्री होटल के अंदर है, कोरोना का वक्त चल रहा है सर, ऐसा नहीं लग रहा कि राजस्थान के अंदर मंत्रियों और विधायकों को बाहर आना चाहिए? तो मोदी जी को पूछो ना, मोदी जी को, अमित शाह जी को और गजेंद्र सिंह जी को पूछो ना कि वो आज 2 बजे तक तो मानेसर में हरियाणा के सरकार के कब्जे में थे विधायक, और अब आज कहीं एसओ जी गई तो वहां से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो क्या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरने दें आपके हिसाब से? जी नहीं सर, सरकार के पास तो बहुमत है, सरकार कैसे गिरेगी? हाँ तो क्यों, जो चल रहा है आपको दिख नहीं रहा है जी, कहीं 30 करोड़ की बातें आ रही हैं, कहीं 50 करोड़ की बातें आ रही हैं, तो क्या सरकार को बचाना नहीं चाहिए? जी 5 साल के लिए चुनी गई है सरकार, या मोदी जी और अमित शाह जी की रेमोक्रम के ऊपर चुनी गई है? आप बताइए। यकीनन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, 5 साल हम कहें कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे कि चले सरकार, क्योंकि बहुमत के साथ सरकार आई है सर। ठीक है सर, तहत की हमारी चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार है, वो चुनाव वो रहे 5 साल लोगों की सेवा करे जी, उसी के लिए, उसी को तो बचाने के लिए बैठे हैं सर। बतौर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, बतौर पीसीसी चीफ आप संगठन में क्या बदलाव करने वाले हैं सर? संगठन में क्या बदलाव करने वाले हैं बतौर पीसीसी चीफ? पीसीसी के अलावा सारी कार्यकारिणी एआईसीसी ने, अविनाश पांडे जी ने, वेणुगोपाल जी ने भंग कर दी, तो बदलाव तो सारे ही नए पदाधिकारी तो बनने ही है, इसमें क्या दो राय है? तो बदलाव तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा संगठन ही नया खड़ा होगा। कोई एक ऐसा फैसला जिसके लिए हम याद करेंगे या कांग्रेस याद करेगी कि ये गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष बनते ही डायनामिक चेंज किया, कांग्रेस के अंदर रिवोल्यूशनरी चेंज किया? आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि मैं जमीनी से जुड़ा हुआ निकला हुआ एक पंचायत समिति के मेंबर से मैंने राजनीति शुरू की है। आज मेरी पार्टी ने, मेरे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और तमाम नेताओं ने मुझे ये आशीर्वाद देकर के जिम्मेदारी दी है, तो मैं उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझता हूँ, उनके मान सम्मान किस प्रकार से रहना चाहिए उस बात को समझता हूँ, और कांग्रेस आइडियोलॉजी से NSVI यूथ कांग्रेस और DCC उससे लेकर के मैं आया हूँ, तो मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भी समझता हूँ, तो सब चीज़ों को मिला करके हम लोग अच्छा करने जाएंगे और अच्छा मजबूत संगठन रहेगा और सरकार अच्छी जो लोक कल्याणकारी कार्य 1.5 साल से आप देख रहे हैं कर रहे हैं और जो पहले 5 साल तक किया था, मैं समझता हूं उसकी छाप हर व्यक्ति के दिल और दिमाग के ऊपर है, और इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि हमको मौका मिला है और लोग उम्मीद करते हैं, तो जो जन घोषणाएं हमने की हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हम लागू करेंगे और निश्चित रूप से पंचायत राज और निकाय के चुनाव भी जीतेंगे सर। ये क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा और यकीनन वो आहत होंगे तब उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा कि जो यंग लीडरशिप है वो अति महत्वाकांक्षी हो गई है, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान या अन्य इलाके हैं, तो संगठन के अंदर कुछ ऐसा मंत्र जिसके जरिए समझाया जा सके कि देखिए वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, पद मिलते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है, ताकि आगे से इस तरीके का कुछ ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी तो अध्यक्ष के तौर पर आपकी होगी अगर आगे से भी कुछ ऐसी घटना होती है तो। निश्चित रूप से देखिए, बुजुर्गों के अनुभव को, उनके आशीर्वाद को, उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को काम करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी काफी अनुभवी है, 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा अपने अनुभव के आधार पर ठीक कहा होगा, और निश्चित रूप से देखिए जो व्यक्ति अपने माँ बाप, बेटा बेटी, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता है, मैं समझता हूँ वो संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में है, हमारे राजस्थान के लोगों की संस्कृति में है कि बुजुर्गों का सम्मान करो, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में हम बेहतर कर सकें, युवाओं की ऊर्जा का सही सदुपयोग कर सकें और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सब एकजुटता के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके लिए अच्छा होगा। सर जुलाई से पहले मीडिया ये कहता था कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, जुलाई में ये तय हुआ कि हाँ कांग्रेस में 2 गुट है, एक बाहर चला गया है,
अब माने कि पीसीसी और सरकार, यानी कि संगठन और सरकार, वो एक ही साइकिल के दो पहिए जो अब एक ही दिशा में चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। देखिए, संगठन से सरकार बनती है और संगठन और सरकार कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। अब मीडिया में क्या चला, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर सरकार बनती है और उस चुनी हुई सरकार को निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और कदर करती है तभी दोबारा सरकारें आती, नहीं आती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहे और कांग्रेस को मजबूती के साथ आप आगे चलाएं, संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत करें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।